वैसे तो चुनाव से पहले ही अपना दल कमेरावादी समाजवादी पार्टी से अलग हो गई हैं, लेकिन इस बीच पार्टी ने कुछ ऐसा किया है जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या पल्लवी पटेल अब नया गठबंधन बनाएंगी? अपना दल कमेरावादी ने अपना फैसला आखिरी समय में क्यों वापस लिया? दरअसल अभी हाल में अपना दल कमेरावादी ने एक प्रेस रिलीज कर आगामी चुनाव में यूपी की 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जिसमें फूलपुर, मिर्जापुर और कौसाम्बी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। लेकिन अब पार्टी ने घोषित सीटों की सूची अग्रिम सूचना तक निरस्त कर दी है। अपना दल कमेरावादी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया गया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव के लिए घोषित सीटों की सूची अग्रिम सूचना तक निरस्त की जाती है, शीघ्र संशोधित नई सूची जारी की जाएगी। अपना दल कमेरावादी के इस फैसले के बाद अब तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल कोई नया गठबंधन कर सकती हैं। वहीं सूत्रों से खबर तो ये भी है कि बसपा ने पल्लवी पटेल को प्रयागराज की फूलपुर या इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। वहीं पल्लवी पटेल अगर अपनी पार्टी के सिंबल पर भी चुनाव लड़ना चाहेंगी तो वहां बसपा समर्थन करेगी। इस खबर के बाद से एक बार फिर से यूपी का सियासी पारा हाई हो गया है। ऐसे में अगर पल्लवी पटेल बसपा के साथ गई तो बीजेपी या फिर गठबंधन दल क्या रणनीति अपनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।